जम्मू कश्मीर जल्द ही पूरी तरह से आतंकवाद मुक्त हो जाएगा, ये दावा आज प्रदेश के डीजीपी दिलबाग सिंह ने उत्तरी कश्मीर के सोपुर में जिला पुलिस लाइन में आयोजित एक समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत में किया। उन्होंने कहा कि आतंकी हिंसा से भी ज्यादा खतरनाक चुनौती ड्रग्स का कारोबार है और इससे भी जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह निपट रही है। उन्होंने कहा कि लगभग सभी आतंकी मारे जा चुके हैं, बचे कुचे भी जल्द मारे जाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे। वहां नवा रायपुर में राजीव युवा मितान सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, बीजेपी जहां भी नफरत फैलाएगी हम वहां मोहब्बत का पैगाम देंगे। हम एक किसान मजदूरों के लिए काम करते हैं, वो दो चार उद्योगपति के लिए काम करते हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर तंज मारते हुए कहा कि बीजेपी हर इलेक्शन में कहती है 230 और 250 सीटें जीतेंगे, पर हर गरीब किसान मजदूर बेरोजगार ने कर्नाटका में कांग्रेस को ही वोट दिया। भाजपा नेता एवं जिला विकास परिषद के सदस्य पंडित सुरेश शर्मा ने हर घर नल व स्वच्छ जल के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए विधानसभा छंब के ब्लॉक चौकी चोरा की पंचायत राह के लोगों के लिए बहुत ही लंबित मांग को पूरा करते हुए 4,25,00,000 की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत बनने वाले राजसाई गाला पानी की नई परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। वहीं सुरेश शर्मा ने कहा कि इस परियोजना के पूरा होने से लोगों को पानी की समस्या से राहत मिलेगी। इसरो ने चंद्रयान 3 के बाद एक और इतिहास रच दिया। उत्साह से लबरेज इसरो ने आज आदित्य L1 मिशन की सफल लॉन्चिंग की। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 का प्रक्षेपण आज सुबह 10:50 पर श्रीहोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। इसी उपलक्ष में उधमपुर में तैनात CRPF की 187 बटालियन द्वारा आदित्य L1 मिशन का लाइव प्रसारण देखा गया। सफल प्रक्षेपण के बाद भारत माता के नारे लगे। बारामूला पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है जो खुद को पुलिस अधिकारी सब इंस्पेक्टर बता रही थी। उसके कब्जे से पुलिस ने वर्दी और 10,000 की नकदी बरामद की है। पुलिस स्टेशन को कुंजर के वासिफ हसन नाम के एक व्यक्ति से शिकायत मिली थी। शिकायत में कहा गया था कि एक बस में यात्रा के दौरान महिला मिली जिसने अपने आप को उप निरीक्षक होने की बात कर कहा कि उसको कुंजर पुलिस स्टेशन में एक कांस्टेबल को अपॉइंट करने का अधिकार है और उसके लिए उसे 10,000 रुपए चाहिए। जांच करने पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद बदलाव की बयार के बीच पहली बार कश्मीर घाटी में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक हो गई है। नई व्यवस्था में पहली बार होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव के तहत शहरी सरकार चुनने में महिलाएं आगे होंगी। श्रीनगर नगर निगम में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से कम है, लेकिन कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों को मिलाकर महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। तो वहीं किश्तवाड़ और पुंछ में भी महिला मतदाता अधिक हैं। 10 सितंबर को होने वाले हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को हल चुनाव निशान देने से इनकार किए जाने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहस के बाद कहा कि फैसला 6 सितंबर को सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज ने कहा कि चुनाव निशान आदेश 1968 केवल विधानसभा और संसदीय चुनाव पर लागू होता है और स्थानीय निकाय चुनाव में ये आदेश लागू नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी निगम ने जम्मू सहित विभिन्न जिलों में 2 सितम्बर से 4 सितम्बर तक चरणबद्ध तरीके से बिजली कटौती करने का शेड्यूल जारी किया है। चीफ इंजीनियर JPDCL जम्मू ने सूचित किया है कि जिला डोडा और किश्तवाड़ में 3 सितंबर को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक बिजली गुल रहेगी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को एक साथ चुनाव के मुद्दे की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
समिति के अन्य सदस्य गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, एनके सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा हरीश सालवे, सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी हैं। समिति ये भी जांच करेगी और सिफारिश करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।